डिस्काउंट। ठीक है जी, डिस्काउंट में देखिए पहला क्वेश्चन रीड कीजिए, क्या दिया हुआ है। एक पुस्तक 18% की छूट देकर 23% का लाभ वे बेचता है, तो उसका अंकित मूल्य और क्रय मूल्य में कितना परसेंट अधिक है, इसके बारे में हमें जानना है। तो इसके बारे में जानना है तो पहले क्या करना पड़ेगा, देखिए छूट दे रहा है और लाभ भी लेना है, तो दोनों प्लस होगा क्या जी। तो 18 + 23 कितना होता है जी, 18 + 23 8 × 3 = 11 की एक होगा और कैरी 1 हो जाएगा, तो 3 और 1 = 4 41 होगा, 41% और छूट कितना का दे रहा है, 18%, अर्थात कितना परसेंट हो जाएगा, 82% आ जाएगा जी। और कितने पे निकालना है हमें, 100% ही चाहिए ना, तो 81 + 82 हो जाएगा, तो अब क्या बचा, 100/2 बचा, तो 50% आएगा जी। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 25% की छूट देकर 20% का लाभ लेने के लिए अंकित मूल्य और क्रय मूल्य में कितना परसेंट अधिक रखना होगा, अब इसके बारे में जानना है हमें, तो कैसे करना पड़ेगा जी। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, छूट भी दे रहा है और लाभ भी लेना है, तो दोनों को ऐड करेंगे क्या, तो कितना हो जाएगा जी, ऐड करेंगे तो 45 होगा, और कितने के छूट दे रहे हैं, 25% का, तो 75% बच जाएगा, तो 100% क्या होगा, तो 15 × 3 = 45, 15 × 5 = 75 = 20, तो 60% आएगा क्या, तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा हमारा। फिर अगला क्वेश्चन रीड कीजिए, कोई वस्तु 35% की छूट देकर भी 17% का लाभ पर बेची जा गई, तो वस्तु का अंकित मूल्य और क्रय मूल्य में कितना परसेंट अधिक है, अब इसके बारे में जानना है हमें। तो देखिए 35% की हमने छूट दी और 17% का लाभ, तो कितना हो जाएगा, टोटल 42% हो जाएगा, और छूट कितना का दे रहे हैं, 35%, तो हमारे पास कितना बच रहा है, 65%, तो 100 हो जाएगा, तो इसको काटेंगे तो 13 हो जाएगा। ठीक है, ये 52 होगा जी, ऐड करेंगे तो, ठीक है, तो 13 × 52, तो 4 × 20, तो कितना हो जाएगा जी, 4 × 20 80 होगा क्या, तो 80% आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा। फिर अगला देखिए, निम्न में समतुल्य बट्टा ज्ञात कीजिए, अब निम्न में समतुल्य बट्टा ज्ञात करना है, तो इसके आधारित कुछ क्वेश्चन है, इसको देखिए एक बार, क्वेश्चन आप लोग भी अच्छे से रीड कीजिए। देखिए इसमें क्या दिया है, 20% और 10% दिया है, तो 10% को हम अपन लिख सकते हैं क्या, 1/10, और 20% को क्या लिख सकते हैं जी, 1/5, तो 10 पे 1 की छूट देंगे तो 9 हो जाएगा, 5 पे 1 की छूट देंगे, समतुल्य बट्टा दे रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 से 4, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, अगर 100 50 है तो इसमें कितना का डिफरेंस है, 14 का डिफरेंस है, तो 14 क्या, तो 8 2 जा जाएगा, तो 28% का डिस्काउंट आ जाएगा, 28% का दिया हुआ जी ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा हमारा। ठीक है जी, फिर देखिए 10% 20% और 30% की समतुल्य बट्टा दिया जा रहा है, तो 10% को क्या लिखते हैं जी हम लोग, 1/10 लिखते हैं, 20% को क्या लिखते हैं, 1/5, और 30% को क्या लिखते हैं, 3/10 लिखते हैं, तो 10 पे 1 की छूट अर्थात 9, 5 पे 1 की छूट 4, और 10 पे 3 की छूट 7, अब सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 ये 500 हो जाएगा, अब इसमें 9 × 36 और 36 × 7 का मल्टीप्लाई, 6 × 7 = 42, 42 × 2 = 4 = 7 = 21 + 25, 25 हो जाएगा, तो इसमें अंतर कितना का है, 248 का है, अगर 248 अगर 100 500 है तो 248 क्या, तो यहाँ से ये कट जाएगा, तो 5 × 4 और फिर 4 5 नहीं 49 दशमलव कुछ आएगा जी,
तो 49.6% कहाँ दिख रहा है हमें, तो ऑप्शन नंबर डी पे दिख रहा है। ठीक है जी, फिर अगला देखिए, यहाँ क्या बोल रहा है, 20% और 15% बोल रहा है। तो 20% को क्या लिख सकते हैं जी, यही देखिए, 20% को क्या लिख सकते हैं, 1/5, और 15/100 को 5 या 15 या 20, तो 5 में 1 की छूट, 4, 20 में 3 की छूट, 17, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 और 17 4 68, तो इसमें कितना 32 का डिफरेंस है। अगर अगर 100 100 है, ये वाला 100 अपना वो वाला 100 है, तो 32 क्या जो डिफरेंस आ रहा है, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 32 ही तो बचेगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी, ई हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित बट्टा श्रेणी में किसका समतुल्य बट्टा सबसे अधिक है, सबसे अधिक है, अब इसके बारे में जानेंगे, तो कैसे जान पाएंगे जी अपन। देखिए, अगर तीनों को समतुल्य बट्टा अपने को चाहिए तो कैसे कर सकते हैं, एक सबको समान कर सकते हैं। 20, 5 और 10% दिया है, एक में दिया है 5, 10, 20% दिया है, फिर 10, 20 और 5% दिया है। देखिए, 5 से 5 कट जाएगा तीनों में, 10 से 10 कट जाएगा, और 20 से 20 भी कट जाएगा, तो क्या है ये सब समान है, यह सब समान है, तो अर्थात डी आ जाएगा। ठीक है जी, फिर अगला ऑप्शन देखिए, निम्नलिखित बट्टा श्रेणी में किसका समतुल्य बट्टा सबसे बड़ा है, तो सबसे समतुल्य बट्टा सबसे बड़ा किसका है, 10%, 5% और 15%, 5%, 10% और 15%, 15%, 10% और 5% सब समान है। ठीक है, तो इसमें कैसे करेंगे जी, तीनों को इक्वल करके देखें, 10 से 10 ये कट जाएगा, इसमें भी कट जाएगा, 5, 5, 5 इसमें भी है, 15 इसमें भी है, 15 इसमें भी है, 15 इसमें भी है, तो तीनों क्या है, समान है, तो इसका भी ऑप्शन क्या होगा, डी आएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित बट्टा श्रेणियों में कौन सा ग्राहक के लिए और कौन दुकानदार के लिए सर्वाधिक फायदेमंद होगा, ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क लिए रहेगा, ठीक है, HW रहेगा, अगर जब भी इसका नेक्स्ट क्लास होगा तो आप इसको कमेंट करके बताइएगा, अगर चैनल पे नए हैं, अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए जी, ठीक है।